नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं आप सभी का स्वागत है। तो दिनभर के भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है, तो इस एक बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट हम देंगे। शुरुआत करते हैं आज के ऐतिहासिक खबर के साथ। तो आज का दिन भोपाल के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आज भोपाल वासियों को मेट्रो की सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुभाष नगर डिपो से मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ करते नजर आए। इसी मेट्रो से सुभाष नगर से रानी कंपलापति रेलवे स्टेशन तक उन्होंने सफर भी किया। तो ये तस्वीरें हैं एक नए युग की, क्योंकि अब भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल रही है। आपको बता दें आज ट्रायल रन हुआ और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसमें सफर किया है। सुभाष नगर डिपो से ये ट्रेन चली जो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी आज ये सफर किया। भोपाल में आज महिला स्वसहायता समूहों का सम्मेलन जंबूरी मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्वसहायता समूहों को स्कूटी और ऋण का वितरण करते हुए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज 1400 स्कूटी दे रहा हूं। इसके बाद यदि आजीविका मिशन की कोई बहन स्कूटी खरीदेगी तो बैंक से मिलने वाली पैसे की गारंटी मैं लूंगा और ब्याज भी भरवाऊंगा। सीएम ने आगे कहा कि वो उनके लिए जी रहे हैं, उनके लिए मर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संकल्प लो, भाई के साथ रहोगी, भाई को जिताओगी, भाई की ही सरकार बनाओगी। आज तो 1400 स्कूटी दे रहा हूं, इसके बाद अगर कोई भी आजीविका मिशन की बहन स्कूटी खरीदेगी तो स्कूटी में बैंक से जो पैसा मिलेगा उसकी गारंटी भी मैं लूंगा और ब्याज भी भरवाऊंगा, चिंता मत करना। खंडवा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंची कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर आज जमकर निशाना साधा और कहा कि ये नकली और चुनावी हिंदू हैं, इनसे समाज को बचाने की जरूरत है। वहीं बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर ठाकुर ने कहा कि टिकट एक होता है, मांगने वाले 25 होते हैं, 25 को टिकट नहीं मिल सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ये मुश्किलें जिसमें India.गठबंधन में अशोक चक्र के इस्तेमाल मामले पर है। इस मामले में अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अभियोजन की अनुमति मांगी गई है। ये अनुमति हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने मांगी है। इससे पहले तोमर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर खड़गे इस मामले में गठबंधन का रुख साफ करें। साथ ही कहा कि वो मीडिया पर माफी मांगे, नहीं तो कोर्ट की कार्रवाई के लिए तैयार रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब गृह मंत्रालय से अभियोजन की अनुमति मांगी गई है। इंदौर में मौजूदा बीजेपी विधायक को लेकर अब खुला विरोध सामने आ रहा है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद मेघराज जैन ने टिकट बदलने की मांग की है। मेघराज जैन ने IBC 24 से खास बातचीत के दौरान कहा कि एक ही सीट पर एक ही परिवार का कब्जा है और कब्जा होने से कार्यकर्ताओं के काम करने की प्रेरणा भी अब मर रही है। अब पार्टी को यहाँ की टिकट बदल देनी चाहिए, कार्यकर्ता डरे हुए हैं इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। जबलपुर में प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की विशाल प्रतिमा की आधारशिला रखने जा रहे हैं। तो उसी तर्ज पर जबलपुर के पाटन नगर परिषद के अंतर्गत भी रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। लेकिन इसके पहले प्रतिमाओं को स्थापित करने वाली जगह को अब लेकर अब विवाद छिड़ गया है। आदिवासी समाज के साथ लोधी समाज ने मिलकर पाटन SDM को ज्ञापन सौंपा, प्रतिमा की जगह बदलने की मांग की। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसी महिला के माध्यम से उनका चरित्र हनन कर सकती है। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसमें जांच के बाद मुझे दोषमुक्त किया गया। इसी से बौखलाई कांग्रेस मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने में जुटी है। कांग्रेस के एक बड़े नेता अपनी कांग्रेस की नेत्री से कह रहे थे कुछ देखो, कोई महिला वगैरह मिल जाए तो उसमें फंसाओ। तो इस तरह से कांग्रेस इतने हल्के स्तर की राजनीति कर रही है, आरोप लगा के कैसे चुनाव जीता जाए, इसकी कोशिश कांग्रेस के लोग करते हैं।
इंदौर में आज बजरंग दल ने थाने का घेराव किया। गौवंश की हत्या पर बजरंग दल का गुस्सा फूट पड़ा। बजरंग दल ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि काजी पलासिया के खेत में गौवंश का शव मिला था। भोपाल में आयुष विभाग के डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का पांचवा दिन है। कल देर रात डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। हड़ताल की वजह से चिकित्सा सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। वहीं डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने, सरकारी खाली पदों पर नियुक्ति जैसी कई मांगें रखी हैं। ग्वालियर के न्यू जनक हॉस्पिटल के स्टाफ ने मारपीट की, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टाफ के लोग एक शख्स के साथ गाली गलौज करते हुए और उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। 18 साल की युवती का आरोप है कि हॉस्पिटल में उसके पिता भर्ती थे। जब उनको डिस्चार्ज करने के लिए कहा गया तो स्टाफ ने छेड़छाड़ कर अभद्रता की और भाई के साथ मारपीट भी। वहीं पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर हॉस्पिटल के स्टाफ प्रतीक गौर के साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं गुना में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का मामला सामने आया, जिस पर अब राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बता दें कि हिजाब पहनाकर स्कूल में डांस करवाया गया था, वीडियो वायरल हुआ। स्कूल और प्रबंधन से अब जानकारी मांगी गई है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश भी दिए हैं। खरगोन के घेगांव गांव में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। गांव में जर्जर सड़क की वजह से ग्रामीण नाराज है। रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लेकर इन्होंने नारेबाजी की और आगामी चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। नीमच में अवैध निर्माण पर नगर निगम और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। नीमच के बागीचा नंबर 12 क्षेत्र का यह मामला है, जहां करीब 11 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। SDM CSP सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे इस दौरान। ग्वालियर में OLX पर नौकरी का विज्ञापन देख एक विवाहित महिला को जॉब मांगना महंगा पड़ गया। जब उसने विज्ञापन में दिए नंबर पर कॉल किया तो उसका एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया और सरकारी विभाग में जॉब दिलवाने का वादा किया। महिला ने उस व्यक्ति को बताया कि उसका पति से विवाद चल रहा है और उसका फायदा उठाकर महिला से दोस्ती कर उसने महिला को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे लिव इन रिलेशनशिप में अपने घर पर रखकर उसका शोषण किया और अपनी पत्नी की मौत हो जाने की बात कहकर शादी का झांसा दिया। जब महिला को पता चला कि उसकी दो पत्नियां हैं तो उसने विरोध किया, उसके साथ उसने मारपीट की। पीड़ित महिला ने अब थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इस चीज़ में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम बड़ा ये देख रहे हैं कि कहीं ये आदमी हैबिचुअल तो नहीं है, कहीं और भी किसी के साथ इस तरह की हरकतें तो नहीं कर चुका। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी FIR करके जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी के जो टीम लगी हुई है। के मवई रेलवे स्टेशन के पास युवक का शव मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। मृत युवक पुष्पेंद्र के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। रीवा में वृद्ध महिला के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला से अभद्रता करते हुए युवक कैमरे में कैद हुआ। आरोपी ने महिला से अभद्रता के पहले उसकी बेटे की भी पिटाई की। बताया जा रहा है कि कुत्ते की मौत का बदला लेने के लिए आरोपी ने मारपीट की। सिमरिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। और अब खबर सागर से है, जहां स्कूल की वैन में तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई। हादसे के वक्त बच्चे वाहन में सवार थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। घटना खुरई थाना क्षेत्र की है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। आवारा कुत्तों ने युवक का कान काट लिया और पालतू कुत्ते ने आवारा कुत्ते पर हमला किया था। बीच बचाव करने गए एक युवक के ऊपर ही कुत्तों ने हमला कर दिया और उसका कान काट लिया। इंदौर में युवकों ने छात्र को लाठियों से पीट दिया। भवरकुआ थाना की चौपाटी के सामने की घटना है, जहां छात्रों के दो गुट एक दूसरे से लड़ते नजर आए। पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जबलपुर में धारदार हथियार से आज एक परिवार पर हमला किया गया। अज्ञात आरोपी घर में घुसे और उसके बाद उन्होंने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। गोसलपुर थाना के पोड़ी खुर्द की यह घटना है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर के एमवी अस्पताल में एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने अस्पताल के गेट के कांच भी तोड़ दिए। अस्पताल के गार्ड ने युवक को पकड़कर जैसे तैसे बाहर किया। बताया जा रहा है कि युवक अस्पताल के अंदर ब्लेड लेकर घुस गया था। देश भर में श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और इसी बीच सोशल मीडिया में उज्जैन के अशोक कुमार दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पेशे से रिटायर्ड टीचर हैं और अशोक कुमार दुबे हर रोज 500 से 700 कौओं को रोजाना दाना पानी दे रहे हैं। इसी दाना पानी के लिए उनके पास रोजाना कौए आते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य कौओं की विलुप्त हो रही प्रजाति को बचाना भी है। अशोक बताते हैं कि आजकल खेती के दौरान पेड़ पौधों पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है और इस कारण कौए विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए कौओं को बचाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। तकरीबन रोज 500-700 कौवे इसमें यहाँ आ जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के अंदर हमारे भारतीय वेदों और पुराणों में ये लिखा गया है कि कौओं को खिलाने से पितर तृप्त होते हैं। वर्तमान समय की स्थिति में कौवे हैं कम और इनकी प्रजातियों को नष्ट कर दिया गया है, इसलिए यह व्यवस्था है। यहाँ कौओं की प्रभु की इच्छा से काफी मात्रा में है। और मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।